तो आज जो हिंदी का पेपर हुआ है सीबीएसई क्लास 10th का, उसका मैं एग्जामिनेशन के बाद फिर से आप लोग के लिए सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, सेट लेके आया हूँ। इसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। तो अभी मैंने बाच का कर दिया है सॉल्यूशन, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में यहाँ पे आ जाएगी, आप मिला सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ है। अब मैं पद परिचय कर रहा हूँ, तीनों ही सेट का यहाँ पे मैंने पद परिचय बना के रखा है, तो मैं बारी बारी से तीनों का इसी वीडियो में कर दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, बस एक छोटा सा वीडियो है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें एक ही मार्क्स का था, तो आपने अगर इतना भी लिखा है और अगर आपने कुछ इसके साथ जोड़ दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने इसमें बता दिया कि ये दोनों लिखना ही चाहिए था, और अगर आपने इसके साथ इसका कारक, लिंग, वचन ये सब भी जोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले नहीं जो है इसका भेद है क्रिया विशेषण, ठीक है, नहीं एक क्रिया विशेषण है, और ये निषेधवाचक है इसका उपभेद। अगर इसके साथ आपने इसका कारक, लिंग वगैरह वगैरह भी लिखा है तो बिल्कुल सही है, आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर नया, नया जो देख रहे हैं इसका भेद है विशेषण और इसका उपभेद है गुणवाचक विशेषण, यह चश्मा विशेष की विशेषता को बतला रहा है। अब आइए सुना, तो यहाँ पे देखिए सुना का जो भेद है वो है क्रिया, इसका उपभेद है अकर्मक क्रिया, ये तीनों में था। अब यह सब मैंने केवल सुना, तो इसका क्रिया, ये तीनों ही सेट में था, भेद इसका है क्रिया, उपभेद है इसका अकर्मक क्रिया, और उसके बाद एक वचन, एक वचन ये है, और उसके बाद कृतवाचिका है और ये पुल्लिंग है। फिर आइए स्त्री, स्त्री जो आप देख रहे हैं वो संज्ञा है, और उसके बाद ये जातिवाचक संज्ञा है, एक स्त्रीलिंग है, उसके बाद फिर एक वचन है। अगर आपने इतना लिखा है, इसके अलावा अगर आपने कारक वगैरह भी लिखा है तो बिल्कुल आपको इसके लिए मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब सेट टू की ओर चलते हैं। तो हमारा जो सेट टू है उसमें, यहाँ पे हम सेट टू की ओर चलते हैं। तो सेट टू में जो है भोलेनाथ बाकी सभी लड़कों के साथ खेलने लगा, तो भोलेनाथ का जो भेद है वो है संज्ञा, उपभेद है इसका व्यक्तिवाचक, यह एक वचन है, पुलिंग है, कर्ता कारक है, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें है मूर्ति, तो मूर्ति जो देख रहे हैं मूर्ति का भेद है संज्ञा, जातिवाचक है, एक वचन है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ डाला है तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुना का अभी मैंने आपको बताया कि सुना का भेद है क्रिया, उपभेद है अकर्मक क्रिया, ये एक वचन है, कृत्रिवाच्य है, और उसके बाद ये पुलिंग है। अब आइए चलते हैं जल्दी, तो जल्दी एक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, और इसका जो उपभेद है रीतिवाचक। अगर आपने इसके इन सबों को लिखने के साथ अगर आपने इसके कारक वगैरह को भी लिख दिया तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सेट थ्री की ओर चलते हैं। तुम्हारा जो सेट थ्री है उसमें आदमी, तो आदमी का भेद संज्ञा, उपभेद इसका हो गया जातिवाचक, ये पुल्लिंग है, एक वचन है। उसके बाद यहाँ पे और जो देख रहे हैं वो एक समुच्चय बोधक है। इसके अलावा भी समुच्चय बोधक के अलावा भी अगर आपने कुछ लिखा है तो बिल्कुल भी आपका सही जाएगा, लेकिन इसका भेद कम से कम आपको लिखना था, एक मार्क्स का है, कम से कम दो से तीन चीज़ें आपको डालनी थी। तो आप बताइए कि आपने इसमें और क्या लिखा है। उसके बाद ये एक वचन है, ये वचन ये ऊपर वाले में था, मैंने इसमें समुच्चय बोधक किया। आपने अगर इसमें और भी कुछ लिखा है तो कमेंट बॉक्स में आइए। फिर सुना, सुना क्रिया, अकर्मक क्रिया, अभी मैंने तुरंत बताया भूतकालिक है, एक वचन है, कृत्रिवाच्य है, पुल्लिंग है। फिर देखिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, और इसका भेद है क्रिया विशेषण और उपभेद है रीतिवाचक। अगर इसके अलावा भी आपने लिखा है तो आपका बिल्कुल सही है। अब बताइए कि आपको ग्रामर पार्ट में किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको साइंस, मैथमेटिक्स और आगे की परीक्षा के लिए भी अगर वीडियो चाहिए एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत ही मेहनत करके वीडियो आप लोग के लिए लाया जाता है सबसे पहले हमारे चैनल पर। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब कौन सा पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आकर जल्द से जल्द कमेंट करते जाएं। इवनिंग तक सारे के सारे वीडियोस अपडेट कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।